venue. England. Parliamentary Union. Inter-parliamentary union. इसको कहते हैं अंतर संसदीय संघ, अंतर संसदीय संघ. अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, इस पर ध्यान रखना. पहली बात तो है क्या और क्या काम करती है. तो जो नेशनल पार्लियामेंट होती है किसी भी देश की, जैसे भारत की संसद है या अन्य देशों की संसद है, उसका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का. तो क्या है पहली बात, तो देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट. विभिन्न देशों की जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, उसका एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय संघ. नाम से ही पता लग रहा है वैसे. अब ये बात आती है काम क्या करती है. ये जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस होती है, लोकतांत्रिक सुशासन कैसे कह दीजिए, या लोकतांत्रिक जो शासन होता है, जैसे इंडिया भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको क्या ये प्रमोट करती है. इसी संबंध में इनके जो अध्यक्ष हैं, अभी मार्च 2020 की यात्रा कर रहे थे, राजस्थान पत्रिका में फोटो आई थी ना, तो वो जो फोटो आ गई वो ये बता देती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, हेड ऑफिस कहाँ पर है, इसका अध्यक्ष कौन है, वो वहां से पूछे. तो एक तो इसका उद्देश्य लिखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करना. आप कह सकते हो लोकतांत्रिक शासन को प्रमोट करना. इसकी जो स्थापना हुई थी 1889 की, ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत से लिंक करके है. एक फ्रेडरिक पेसे हैं और विलियम रंडाल उसके द्वारा. फ्रेडरिक पेसे और विलियम रंडाल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी. कोई भी संस्था होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी यूनियन होती है, हमेशा ध्यान रखना उसका हेड ऑफिस हमेशा इंपोर्टेंट होता है. किसी भी संस्था का संबंध यदि इंडिया के साथ हो गया किसी न किसी रूप में, उसका हेड ऑफिस हमेशा इंपोर्टेंट होता है. जिनेवा स्विट्जरलैंड. जिनेवा स्विट्जरलैंड. दुराते पचेको इसके अध्यक्ष हैं. आपने ध्यान रखना पड़ेगा ये जो दुराते पचेको है ये पुर्तगाल के हैं और हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं. मार्च 2021 में भारत की यात्रा पर, अब ये भारत में आए, संसद भवन में भी गए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तो ये सब बातें वहां हुई. उन्होंने भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताया. इस तरीके से जो भी सिस्टम हमारे यहाँ तैयार हुआ, तो अपने आप में ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है. तो इसको ध्यान से तैयार करें अच्छे तरीके से और इसको नोटबुक में राइट डाउन कर लिया, समय समय पर इसको रिवाइज कर लिया. क्लियर होगी सारी बातें.